किरणजीत सिंह गहरी, प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश। मैं निजी तौर पर अपने वालों तो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति वालों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी का धन्यवाद करदा और देश की साड़ी भारत की सरकार के प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं धन्यवाद करदा। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी प्रधान राम विलास पासवान जी ते चिराग पासवान जी ने भी हमेशा पाकिस्तान भारत के संबंधों नूं वधिया बनाने लई हमेशा जतन किए। और मैं जिते करतारपुर कोरीडोर का उद्घाटना च होया तो रस्ता खुल रहा पाकिस्तान के लोग तो भारत के लोग जिहड़े एक दूजे नाल मिल सकणगे और श्री गुरु नानक देव साहब की जिहड़ी पवित्र धरती हैगी उहदे दर्शन कर सकणगे। इसलिए मैं दोनों सरकारां दा अपने वालों और लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब इकाई वालों धन्यवाद करदा और नाल मैं पंजाब की सरकार तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो यह मंग करदा कि गरीब जिहड़े श्रद्धालु हैगे है जो गुरु नानक देव साहब के पवित्र स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं उन्हों की जिहड़ी फीस हैगी है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो पंजाब सरकार अपने वालों भरे। और नाल ही मैं भारत सरकार को भी बेनती करदा और कि जो पासपोर्ट की शर्त हैगी है वो पासपोर्ट की शर्त भी जी खत्म करवाने लई पाकिस्तान नाल भारत सरकार राबता कायम करे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब नूं मैं ये बेनती करूँगा कि जिहड़ी पासपोर्ट की शर्त हैगी है उन्होंने खत्म किया जाए क्योंकि आधार कार्ड जिहड़ा बनया है आधार कार्ड के उत्ते सारियां जानकारियां हर व्यक्ति की जानकारी जिहड़ी है वो नैट के उत्ते पई है किसी कोई लुको नहीं है। पासपोर्ट का जरूरी नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब लोग पहली गल पासपोर्ट बना ही नहीं सकते उन्होंने ये नहीं पता पासपोर्ट अपलाई किमें करना है फिर जो पासपोर्ट बनाने की गल पुलिस वेरीफिकेशन ये वेरीफिकेशन आ वेरीफिकेशन इधर जाना उधर जाना मतलब मैं समझदा कि 99% गरीब लोगों के पासपोर्ट जोड़े आ नहीं बने। इस करके गरीब लोगों ध्यान में रखते हुए दोनों सरकार पासपोर्ट की शर्त को हटाने का काम कर जी फीस हैगी है वो फीस भी पाकिस्तान जे माफ़ कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर फीस माफ़ करने कोई दिक्कत आती है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चाहिए और पंजाब सरकार को चाहिए कि जोड़े भी गरीब श्रद्धालु उत्थे जाना चाहते हैं उन्होंने फीस जी है पंजाब सरकार से श्रोमणी कमेटी जी अदा करे क्योंकि गुरु नानक देव साहब का जोड़ा मिशन से उन्होंने गल ही गरीबों वास्ते की उन्होंने कहा कि जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी गरीब तो गरीब लोगों रहन की गल की। श्री गुरु नानक देव साहब ने कहा कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संघ साथ वड्डियां सौंका रीस। उन्होंने गरीब लोगों के पक्ष की गल की और गरीब लोगों रहन की गल की। दोनों सरकार पंजाब सरकार ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु नानक देव साहब के मिशन नूं समझते हुए गरीब श्रद्धालुओं गुरु नानक साहब के स्थान दर्शन कराने लई जतन करन ते पासपोर्ट की शर्त जिहड़ी है तुरंत खत्म की जाए। मैं समुची मानवता श्री गुरु नानक देव साहब के गुरपुरब से लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब इकाई वालों पंजाब के लोगों वालों मुबारकबाद देना ते आओ असीं सारे गुरु नानक देव साहब के मिशन नूं समझिए उन्होंने मिशन नूं समझ के जात पात अते भेदभाव अते जो भी इस देश के वितकरेबाजी उन्होंने खत्म करने लिए असी सारे यत्नशील होइए। यही मैं समझदा श्री गुरु नानक देव साहब के चरणों में साडा जिहड़ा हैगा नतमस्तक होना होगा।